ऑलराइट, सो हे गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई नो मैं बहुत दिनों के बाद ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब मेरा लास्ट ब्लॉग मैंने बहुत पहले अपलोड किया है और उसके बाद से कोई अपडेट नहीं था। बहुत एकदम बोलते ना एक्टिव ही नहीं था मैं यूट्यूब पे, बस हाँ इंस्टा पे मैं अपडेट कर रहा था मगर यूट्यूब पे ज़रा भी एक्टिव नहीं था। मगर आप लोग ही सोचो इतने गैप के बाद आया हो तो भाई अभी कुछ तो धमाकेदार चीज़ लेके आया हूँ मैं। वीडियो जो है एक हिसाब से आज का एक अपडेट है कि भाई अभी मॉनसून सीरीज़ हमारी फिर से चालू होने वाली है। बहुत कब से प्रिपरेशन चल रहा था उसके लिए, तो अभी एक छोटा सा काम बाकी है कि हमारे बाइक को टेस्ट करना है। भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, मॉनसून सीरीज़ हम चालू कर सकते हैं। बाइक का चेकअप करा के आ जाता हूँ पहले आज, और इंशाल्लाह जल्दी कल ही निकलने वाला हूँ। मतलब मैं कल सुबह में हम लोग की मॉनसून सीरीज़ चालू हो जाएगी। कुछ भी अभी तक मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ कि मैं किधर जा रहा क्या कर रहा हूँ, क्योंकि सच में बोलूँ तो आप मेरे को खुद को नहीं पता है मैं किधर जाने वाला हूँ। मगर हाँ सोच के रखा हूँ कि भाई 400-500 किलोमीटर का एक मॉनसून सीरीज़ तो बनाना ही है अभी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं निकला हूँ बाइक का चेकअप कराने, क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट आ रहा है क्या स्प्रॉकेट हमारा चेंज करने पर आ चुका है और थोड़ा बाइक की परफॉर्मेंस भी थोड़ी कम हो गई है, जैसे ब्रेकिंग एंड ऑल देखा जाए तो थोड़ा मेरे को अभी लग रहा है कि बाइक को एक बार चेकअप करा लेना चाहिए। देखते हैं, कुछ रहेगा छोटा मोटा काम तो करा लेंगे, और कुछ बड़ा रहेगा तो भाई वो तो राइड के बाद ही होगा, क्योंकि कल सुबह हम लोग को निकलना है राइड के ऊपर। तो अभी भाई मैं जा रहा हूँ इरशाद भाई के पास, जो हमेशा मेरी आर आर सर्विस करते हैं। मैं हमेशा उनके पास ही बाइक चला मतलब सर्विस कराने लेके जाता हूँ, तो अभी भी वही जा रहा हूँ। ओके, तो ये मॉनसून सीरीज़ के बारे में आप लोग को थोड़ा सा अपडेट दे देता हूँ, क्योंकि ये सीरीज़ भाई थोड़ा बोलते ना थोड़ा नहीं अच्छी खासी टफ रहेगी, क्योंकि आप लोगों को मालूम है क्या बारिश क्या बेहिसाब गिर रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारिश है और वो बारिश में हम लोग राइड करने वाले हैं। मैंने तो 3 दिन का प्लान सोच के रखा हूँ, क्या 3 दिन के पूरा 3 दिन हमको बस राइड ही करना है। अभी देखते हैं वो 3 दिनों में हम लोग क्या क्या नए नए लोकेशन देखते हैं, क्या क्या प्लान कर पाते हैं। तो उसके लिए सबसे मेन बात पहले भाई इसको ठीक करना है, मेरे को बस इसके चेस पकड़ का खर्चा ना आ जाए वही सोच रहा हूँ, बाकी सब बढ़िया है। देखते हैं अभी क्या होता है प्लान में। वैसे आप लोगों को एक छोटा सा काम मैं दे सकता हूँ, क्या जब तक ये ब्लॉग आप देख रहे हो तब तक आप लोग गेस कर सकते हो मैं किधर जा सकता हूँ, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे पोल्स डाले थे इसके बारे में, क्वेश्चन किया था किधर जाना चाहिए तो बहुत सारे सजेशंस आए थे। तो उसमें का ही एक लोकेशन मैंने डिसाइड किया हूँ पहले स्टार्ट करने के लिए, फिर उसके बाद देखते हैं जैसे जैसे हमारे पास 3 दिनों में जितने लोकेशन कवर हो पाएंगे हम करेंगे। तो दैट्स इट, अभी सोच रहा हूँ कि मैं जाने तक बारिश ना गिरे, क्योंकि घर से निकला था बारिश एकदम क्लियर थी, बीच में आया फिर से बारिश चालू हो गई और देखो फिर रेनकोट का गेयरअप करना पड़ा। अच्छा हुआ कि मैंने वो रेनकोट एन कैरी किया था, क्योंकि मेरे को पता था बारिश का भी कुछ भरोसा नहीं है। हाँ मगर जो मज़ा आएगी ना यार ये राइड करने में, लिटरली चैलेंजिंग राइड रहेगी मगर मज़ा भी उतनी आएगी, क्योंकि कुछ नया एक्सप्लोर करने मिलेगा, नया कुछ चैलेंज एक्सेप्ट करने मिलेगा। बस ये आवाज़ जो आ रही है ना यार, जो चैन का आवाज़ आता है खर खर खर, भाई कसम से इरिटेट कर रहा है वो। बस दुआ कर रहा हूँ कि वो चैन पकड़ का खर्चा इतना जल्दी ना निकल जाए, वही हुआ तो फिर तो और प्रॉब्लम। गया स्प्रॉकेट, हाँ बेयरिंग भी गया, मेरे को डाउट था उस पर। वो अपने पास सेट कब आएगा? अभी सेट कभी वैसे ऑर्डर देना पड़ेगा ना, ऑनलाइन आप मंगा लो। ऑनलाइन मंगा लो, ऑनलाइन मंगा लो लाके ले पता, क्योंकि अभी कल तो अभी इतने में तो लगा के वगैरह नहीं, कल जा रहा हूँ राइड पे, वहाँ से 3 दिन तो नहीं होगी। मैं तो 3 दिन नहीं तो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को अगर बोले तो कल राइड पे नहीं जाने का है, आज नहीं राइड पे जाने का, तो आज कल ही मैं आगे ढकला मैं आज का राइड। मैं बोला आज तो मिलेगा, क्योंकि एक दो लोग ने बोला था कि रुक ढूंढ रहे करके, तो बोला चलो मिलेगा तो डाल दूंगा मैं। हाँ वो तो है। तो इतना राइड निकालेगा कि नहीं? ये निकालना चाहिए, कितना कितने किलोमीटर जाने का है? 400-500 ही रहेगा, मतलब रिटर्न आ जाके, मतलब आ गया खर्चा राइड के बाद आने का, तो खर्चा ही अपने को। हाँ वो पिछले बार आया था तभी हो गया था ना। चलेगा अभी, वो आने के बाद ही देखते, बोला था ना आ गया राइड को जाने के पहले ही खर्चा आ गया। मेरे को पीछे का ब्रेक आगे का ब्रेक कम लग रहा,
चैन तो प्रॉब्लम दे रही है, चैन में खरखर आवाज़ आ रहा है। और बाकी एक है ना, वो अपन ये बनाए थे ना शॉक ऑफ से दोनों, मेरे को अभी भी उसमें लगता है गाड़ी है ना लेफ्ट साइड खींचती है, लेफ्ट साइड में टाइट लग रही है। जरा एक बार तुम ही चला के देख लो, कुछ लग रहा है तुम ही बताओ कैसा, तुम्हारे हाथ की गाड़ी है वो मालूम रहेगा। बोला था ना आएगा धीरे धीरे खर्चा, अभी आने के बाद ही पहला खर्चा चालू हो गया मेरा। ये क्या, मेरा ब्रेक पैड पूरा चल दिया था, नया ब्रेक पैड डालना ज़रूरी था। अच्छा खासा यार, अच्छा हो गया आ गया। इसका मैं बोल रहा था ना, ब्रेकिंग में भी मेरे को इफेक्ट लग रहा है अभी, तो अब ये नया वाला आएंगे और ये तो निकल गए। सोच रहा हूँ आगे के भी चेंज कर लूँ, क्योंकि मेरे पास स्पेयर में था एक आगे का, मैं लास्ट टाइम गोवा राइड के टाइम में एक्स्ट्रा लेके रखा था, तो आगे का भी चेंज कर देता भाई, रिक्स चाहिए ही नहीं क्योंकि वैसे ही बारिश है और बारिश में ब्रेकिंग में सीन नहीं चाहिए अपने को। तो अभी तो पीछे का चेंज कर रहा हूँ, फिर आगे का भी चेंज कर लूँगा। चेन अभी फ़िलहाल तो मैं स्प्रॉकेट चेंज नहीं कर रहा हूँ, उनको ऑर्डर करने के लिए कह दिया हो, ऑर्डर कर देंगे वो, तो राइड से आने के बाद वो खर्चा करूँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं खर्चा नहीं करना चाहता इतना, क्योंकि मेरे को पहले रोड ट्रिप क्या कवर करनी है। तो ब्रेकिंग कमाल की हो गई है, ब्रेकिंग का टेंशन नहीं रहा, क्योंकि मेरी ब्रेकिंग में फील हो रही थी क्या बहुत कम हो गई है अभी, तो ब्रेकिंग का तो कुछ नहीं रहा। और इतना राइड तो निकल जाएगा बोले वो, तो ये राइड निकाल देंगे और ये राइड के बाद फिर आने के साथ पहले स्प्रॉकेट चेंज कर लेंगे। तो छोटा मोटा जो काम था वो सब हो गया, हाँ बराबर है थोड़ा अभी तक, हाँ अभी तक नया नया पैड है ना इसके लिए। हाँ आगे का मस्त हो गया ब्रेक, आगे का बराबर हो गया। और कुछ लग रहा है राइड के हिसाब से, और कुछ लग रहा है अरे रहें दो भाई, अरे इरशाद भाई, अच्छा वो ग्रीस से क्या, वो ऑयल डाले उससे अभी जाके पहले वॉश करा के इसको खड़ी कर दूंगा। अभी तक इसका चेन लूप वगैरह बाकी है और बारिश है, इसके लिए मैं अभी नहीं किया लूप, घर पे जाऊंगा पहले वॉश क्लीन वगैरह उसको मस्त कराता हूँ, चेन क्लीन करता हूँ फिर लूप करूँगा फिर खड़ी कर दूंगा और कल से निकल जाऊँगा। तो प्रिपरेशन तो बाइक का तो सॉर्टेड हो गया, अभी बस जाके और छोटे मोटे काम है कुछ वो निपटाने और कल निकलना है। ऑलराइट, तो हो गया बाइक का सब काम हो गया, अभी राइड करने में कोई टेंशन नहीं आने वाला इतना तो कंफर्म। बाइक का चेन का भी हम लोगों ने कुछ तो जुगाड़ कर दिए, ये राइड तो निकल जाएगा, मगर भाई मानसून सीरीज चालू करने के पहले बाइक का इतना लंबा खर्चा दे दिया। चलो खैर कभी ना कभी वो तो करना ही था मेरे को, तो राइड से आने के बाद कर लूँगा मैं वो भी खर्चा। अभी बाइक एकदम रेडी टू राइड है हमारी, कुछ शॉर्ट नहीं होएगा कुछ नहीं, बस अभी एक्सप्लोर करना है और ब्रेकिंग, आप ब्रेकिंग में अच्छा खासा फ़र्क आ गया और अभी पैड नए है तो थोड़ा घिसने में समय लगेगा, मगर एक बार जो है 50-100 किलोमीटर गाड़ी ने मार ली तो पैड भी एडजस्ट हो जाएंगे, ब्रेकिंग भी जैसी ओरिजिनल थी हमारी आ जाएगी फिर से। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, कुछ नया पता चला होगा, कुछ इंटरेस्टिंग आने वाला है। इसके लिए जो लोग चैनल पे नए हैं ना वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार की मॉनसून सीरीज़ बहुत सही होने वाली है। मॉनसून सीरीज़ नहीं बोल सकता, ये 3 दिन का रोड ट्रिप रहेगा मेरा, 3 दिनों में मैं हो सके उतना एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगा, क्योंकि 3 दिन है भाई मेरे पास और 3 दिन में मैं
कोई जगह नहीं छोड़ना चाहता। जो मैंने प्लान किया वो तो मेरे को करना ही करना है। तो यस, इतना ही आज के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।